शहीद साहब और आप सारे साथियों को अपील किया है चैनल इसी के लिए। जैसे आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जो हालात पूरे रियासत की और खासकर जो कश्मीर में हालात बने हुए उसको लेकर तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे वो रीजनल है, छोटी है, बड़ी है, सब ने अपने अपने तरीके से अपना इजहार ख्याल किया है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से परसों ही पूरे मुल्की सतह पर जो जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस का पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप बना हुआ है, जो चार साल से लगातार जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर लगातार मॉनिटर कर रहा है और डिस्कशन कर रहा है, जिसकी क्यादत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कर रहे हैं, चिदम्बरम साहब हैं, डॉक्टर करण सिंह जी हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं और बाकी सारे साथी जो आपको मालूम है। तो इमिजिएटली कांग्रेस पार्टी ने हाईकमांड के रहने पर कल 5 बजे उसकी मीटिंग लगाई और जिसमें सारी सिचुएशन पर डिस्कशन हुआ। 2-2.5 घंटे वहाँ सारे लीडरान ने अपना अपना इनपुट दिया और उसके बाद वहाँ भी एक सवालिया खड़ा रहा, क्योंकि मरकजी सतह पर भी पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर भी अभी किसी भी शख्सियत को, किसी भी लीडर को इस बारे में कुछ भी डायरेक्ट जानकारी नहीं है कि जो NDA की सरकार, मोदी साहब की सरकार, अमित शाह साहब के क़यादत में जो यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। हमने कल डायरेक्टर जनरल पुलिस और आर्मी ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, जहाँ तक उन्होंने अपने अप्रहेंशंस दिखाए या कुछ प्रूफ्स दिखाए कि अमरनाथ यात्रा पर कुछ इनपुट्स आ रहे थे जिसको लेकर ये सारी सिचुएशन ली है। जहाँ तक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात, आज या आज से पहले भी सरकारों ने इनपुट के बुनियाद पर इकदाम उठाए, उसमें हमेशा देश एक रहे, किसी की जान न जाए, किसी भी को भी नुकसान ना हो। अगर ऐसा कोई इनपुट सिक्योरिटी एजेंसीज को आता है उसको लेकर कोई वो इकदाम उठाते हैं, वहाँ तक कोई सवाल नहीं। मगर एक इनपुट के बुनियाद पर और एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड अगर कोई इनपुट है तो उसके आड़ में पूरे जम्मू कश्मीर को, आज ये सिचुएशन जो है ये खाली कश्मीर तक ही लिमिटेड नहीं है, जम्मू रीजन के भी बहुत सारे इलाकों में फ्रेश डिप्लॉयमेंट और इस तरह के हालात पैदा हुए हैं जो कश्मीर में हम महसूस कर रहे हैं। तो ये पहली बार ही देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से एडवाइजरीज जारी सरकार से हो रही है और सरकारी न्यूज़ भी करती है, ऑर्डर भी उन्हीं के निकलते हैं और उन्हीं के अथॉरिटीज इनकार भी कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन जो अनसर्टिनिटी की यहाँ पर पूरी रियासत में बना रखी है, या जो टूरिस्ट को वापस बुलाने की हिदायत दी गई आपके यहाँ NIT में और दूसरे इंस्टीट्यूशन में बच्चे जो पढ़ रहे थे उनको यहाँ से पैक किया गया और अमरनाथ यात्रा को अबंडन किया गया, और वो भी एक हिस्टोरिकल एक अपने आप में फैसला दिख रहा है जिसमें लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोगों की आस्थाएं बनी हुई है। यूँ तो ये 6 हफ्ते का प्रोग्राम होता है, लास्ट के 1.5 हफ्ते में छड़ी जाती है और वो छड़ी मुबारक आखिरी के 10-12 दिन में असली यात्रा तो ओरिजिनली वो है और उसको भी एकदम स्टॉप कर दिया। तो ये इस तरह के जो एक के ऊपर एक इकदाम लिए गए या इतने बड़े तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को लाना और फिर यहाँ पर डिप्लॉय करना, इसके दर पर का कुछ तो है। सिक्योरिटी कंसर्न तो हम सारे शहरी समझते हैं, हम ऐसी सिचुएशन में कभी भी इस तरह के हालात आ सकते हैं, मगर वो दरपर्दा होता था वो सिक्योरिटी एजेंसी डील भी करती आई है और आवाम को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, उनको परेशान आज तक कभी नहीं किया गया। मगर आज जिस तरह से सिचुएशन यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के साथ मिल करके बनाई है,
ये कुछ न कुछ सवालियां लोगों के जहनों में खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने कल भी दिल्ली में यही डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को आना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को पब्लिक के सामने आना चाहिए और जितना वो कह सके क्रेडिबली, तो उतना लोगों को कहकर कि जो यहाँ पर कहत का माहौल बना दिया है, ये आवाम को तंग करने वाली अदरवाइज पॉलिसी। वैसे भी जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के लोग, वैसे ही सुखे हुए हैं, कसे हुए हैं, मगर और जिस तरह की मुसीबत जिसमें